मजदूरों के प्लान ने सरकारों की व्यवस्था के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जगदलपुर एनएमडीसी नगर नार में काम करने वाले 20 मजदूर अपने सामानों के साथ पैदल ही झारखंड के लिए निकल पड़े। मजदूरों का कहना है कि भले ही वे भूखे रह लेंगे मगर कोरोना से नहीं मरना चाहते। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से मजदूर पैदल ही अपने घर झारखंड के पलामू जिला के लिए निकल पड़े, जहां पुलिस को सूचना मिलने के बाद उन सभी मजदूरों को गोरिया बाहर नाला के पास रोक दिया गया। इन मजदूरों का कहना है कि भले ही वे भूख से मर जाएं पर कोरोना से मरना नहीं चाहते। अगर पुलिस जाने नहीं देगी तो यहीं पर धरना देंगे, पर नगरनार प्लांट वापस नहीं जाएंगे। नगरनार प्लांट में काम करने वाले झारखंड के अरविंद पाल ने बताया कि जितने दिनों तक उन्होंने यहां काम किया उसी का मेहनताना दिया गया। इसके अलावा खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। एक कमरे में 8 से ज्यादा मजदूर रहते हैं। पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। 40 दिनों के लॉकडाउन में पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई है। अब वे 900 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे। अभी हम नगरनाल में रहते थे, अभी हम अपना पलामू जिला झारखंड में चल दिए। क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग? जाना ये चलते जा रहे हैं सर कि हम जनवरी में आए थे और वहाँ पे रहिला के बाद गेट पास उसके चक्कर में वो 15 दिन ड्यूटी होता नहीं है। अब 15 दिन ड्यूटी नहीं होता है, 3 एकड़ बाद हम 25 दिन ड्यूटी किए। अब जो 25 दिन ड्यूटी किए उसी पैसा से हम खा रहे हैं। वो हमारा कंपनी पैसा उसे दिए नहीं, जो पैसा कमाए उसी से खा रहे हैं। जो हम लोग के पास पैसा बचा हुआ है उसी पैसा से मैं घर जा रहा हूँ। और दूसरे बात कि हम जो कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे 500-600 आदमी रहते हैं, जो कि दो वहाँ पे टंक है। दो टंक के मतलब कि उसमें आधे दो आदमी निहानेंगे, वो आधा पानी टंक में जाता है, आधा पानी बाहर निकलता है। जो कि अगर कोरोना अगर होगा तो वहाँ पे सब आदमी को होगा। तो मान के चलिए कि हम अगर जो भी है तो अपना सुरक्षित निकलने के चक्कर सरकार से कोई अगर सरकार से हम यही गुहार करते हैं कि अगर उन अगर हमको बस देते हैं जाने के लिए तो चले जाएंगे। अगर वो नहीं चाहते हैं कि हम नहीं जाए वो तो हम पैदल जाएंगे। अगर वो रोकना चाहते हैं तो हम यहीं रहेंगे। अभी हमारा झारखंड सरकार श्री एम एन सुरेन जी बोले हैं जो हमारे फंसे हुए लोग हैं उन लोग के लाने का व्यवस्था किया जा रहा है और लोगों के लाया भी गया। और उन्होंने बोले कि हमारे पास बस की सुविधाएं नहीं है, कम है, इसलिए हम सरकार से गुहार कर रहे हैं लाने का। तो यहाँ कब आएगी NMDC यहाँ आने देगा? तब तो बस आएगा, ये तो सोच रहा है। मेरा काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन हम लोग का अंदर से कितना बेचैनी है, हमारे परिवार लोग का कितना बेचैनी है वो तो हम जान रहे हैं, हमारे परिवार जान रहे हैं और दूसरा कोई नहीं जान रहा। सरकार को काम अपना काम कर रही है, बिल्कुल पैदल निकलेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।